अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अंतरिन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलते रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है वो MOH की तरफ से आ रही है, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर दोस्तों आ रही है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दोस्तों ये अनाउंसमेंट किया गया कि नया टीकाकरण का नया फेज को वहां पे चालू किया गया। दोस्तों टीकाकरण का अब तक वहां पे बहुत सारे फेजों को चलाया जा चुका है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल अब तक 6 फेज को वहां पे खत्म कर दिया गया दोस्तों। और ये छठवां फेज स्टार्ट किया गया मोबाइल यूनिट के जरिए। तो दोस्तों ये फेज को कहा जाता है मोबाइल यूनिट, तो दोस्तों ये सातवां फेज है। यदि आपने अब तक वैक्सीन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द दोस्तों वैक्सीन ले लीजिए, आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाके मोबाइल यूनिट में जाके आप वैक्सीन को ले सकते हैं क्योंकि सातवां फेज स्टार्ट हो चुका है, तुरंत आपको वैक्सीन मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, ये पहले बहुत सारा झमेला था, पर ये सब कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट आप वैक्सीन को ले सकते हैं मोबाइल यूनिट के जरिए। अगली खबर साथियों जो आज दोस्तों बताना चाहूंगा राजनीतिक संबंधों में साथ, दोस्तों बताना चाहूंगा कि कुवैत और इंडिया के दोस्तों रिश्ते को लेकर 60 साल पूरे मुकम्मल हो चुके हैं। इसको देखते हुए दोस्तों वहां पे कुवैत में इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था जिनमें सीबी जॉर्ज साहब आए, कुछ अहम बातों को बताएं, और वहां कुवैत के कुछ अहम वहां पे एमपीज वगैरह वहां पे पहुंचे थे, कुछ बड़े लोग वहां पे पहुंचे। वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया जिनमें से भारत के कुछ कलाकारों ने अपने वहां के प्रदर्शन किया, अपने संस्कृति के बारे में बताया, और सीबी जॉर्ज साहब ने काफी अहम अहम जानकारियां दी हैं लोगों को, एक्सपर्ट के लिए वहां पे जो लोग वहां पे रह रहे उसको काफी चीजों के बारे में बताया गया। अगली खबर साथियों, क्लिनिक पर डॉक्टर और सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट। दोस्तों बताना चाहूंगा आपको कि असहमति को लेकर क्लिनिक में एक डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। जब सुरक्षा कर्मियों ने हस्तक्षेप किया तो उसके बाद अपमान किया गया, मारपीट की गई, आरोपी को कोई डेटा नहीं मिला है, लेकिन सर्विलेंस कैमरा के उसकी कार के नंबर प्लेट को कैद करने में कामयाब हासिल की है जो सुरक्षा कर्मी को मुहैया कराई गई है। कार का नंबर प्लेट का जाँच करने का पता चला कि गाड़ी एक कुवैती नागरिक के नाम पर रजिस्टर है। आरोपी के जाँच के लिए तलब किया गया और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी को अपमान करने और मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया। तो दोस्तों कुवैती ने वहां पे डॉक्टरों के साथ और वहां के कर्मचारियों के साथ जो गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल था वहां पे मारपीट किया, अभद्र बर्ताव किया, जिसके बाद कैमरा के जरिए उसे गाड़ी का प्लेट का नंबर निकाला गया, रजिस्ट्रेशन कुवैती पर है। फिलहाल उस पर मारपीट का और गलत व्यवहार करने के लिए उस पर केस दर्ज किया गया है। अगली खबर साथी जो आ रही है वो जबर ब्रिज से आ रही है। दोस्तों जबर ब्रिज में लगातार आपको सुनने को मिलता होगा वहां पे लोग सुसाइड कर रहे हैं, एक्सीडेंट कर रहे हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि एक वहां पे महिला, ऑस्ट्रेलियन महिला कूद के वहां पे सुसाइड कर ली थी जबर ब्रिज में, और एक्सीडेंट भी वहां काफी ज्यादा होती, जिसकी वजह से जबर ब्रिज में वहां पे घूमना या साइकिलिंग चलाने को बैन कर दिया गया था। पर उसके बावजूद भी दोस्तों कल के दिन वहां पे दो लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की, एक इंडियन और एक मिस्री। फिलहाल अच्छी बात यह है कि दोनों को फिलहाल सुरक्षा टीमों की तरफ से बचा लिया गया है, पर दोस्तों लगातार वहां पे लोग सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका वजह से जबर ब्रिज को बंद करना पड़ रहा है। अगली खबर साथी जो आ रही, नकली माल जब्त। बताना चाहूंगा साथी हवाई सीमा पे बहुत सारे लोग हैं कि जैसे आ रहे हैं और वो लोग नकली सामानों को वहां पे बेचते लाने की कोशिश करते, तो कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से उन सभी लोगों को पकड़ा गया, सभी को गिरफ्तार किया गया, जो भी नकली सामान वहां पे लाया जा रहा था सभी को सीज कर लिया गया है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर।